गाइज आजकल माइनक्राफ्ट खेलने में बहुत बोर होता है, वही रिपीटेड कंटेंट बनाते जाओ बार बार। और आप लोग तो कुछ और देखना पसंद भी नहीं करते हो, बट ये नहीं करेंगे तो व्यूज किसे आएंगे। मुझे ना एक माइनक्राफ्ट का धमाकेदार मॉड ढूंढना होगा जिसको खेलने में ना बहुत ज्यादा मजा आए। चलो मैं थोड़ा नेट पर जाके मॉड सर्च करता हूँ। एक मिनट, ये क्या है? ये डब्बा जैसा क्या है और ये जमीन के अंदर घुसा हुआ है? हाँ एक मिनट, ये तो मिसाइल है, भागो। तो आज मैंने माइनक्राफ्ट के अंदर एक ऐसा मॉड डाला है जिसमें हमारे पास बहुत सारी मिसाइल्स है और ये सारी मिसाइल्स एक नॉर्मल TNT से बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये देखो हमारे पास इतनी सारी मिसाइल्स है और ये सारी मिसाइल्स के पास अपनी अलग अलग पावर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो गाइस आज मैं बहुत जोश में आ चुका हूँ और मैं इतना जोश में आ चुका हूँ कि मुझसे बोला नहीं जा रहा अच्छे से। और वीडियो के एंड में हम लोग एक ऐसी मिसाइल यूज करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूक्लियर मिसाइल। और मैं तो बोलूंगा आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। सबसे पहले तो हमें मिसाइल लॉन्च करने के लिए चाहिए होगा लॉन्च पैड और एक टूल चाहिए होगा जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी मिसाइल कहाँ जाके फटेगी। इसका नाम है टारगेट डेजिग्नेटर। और लास्ट में हमें चाहिए होगी बैटरी जो कि हमारे लॉन्च पैड को पावर करेगी। ये एरिया को क्लियर करके आप लॉन्च पैड लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल। अभी सबसे मेन काम है हमें लॉन्च पैड में बहुत सारी चीजें डालनी होगी। तो मैंने रॉकेट डाल दिया, अभी जाएगी बैटरी और ये लॉन्च पैड कितनी जल्दी चार्ज हो गया। ओके अभी हमें जगह सिलेक्ट करनी होगी। ओके ये जगह अच्छी है, यहाँ पर हम लोग मिसाइल फोड़ेंगे। नहीं काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर हॉर्सेस पर फोड़ते हैं, फिर मजा आएगा। तो मैंने लोकेशन सिलेक्ट कर ली है, अभी हमें ना इसको लॉन्च पैड में डालना होगा। लेट्स गो, अभी हमारा लॉन्च पैड रेडी हो चुका है। और हाँ एक चीज तो मैं लेना ही भूल गया है, हमारा डिटोनेटर। ये तो सबसे मेन है, इसके बिना तो हम लोग मिसाइल लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। आर यू रेडी गाइस? 3 2 1 गो। ओ ये उड़ गया हवा में एंड बूम। भाई साहब ये कितना कूल था। अरे यार बट हॉर्सेस को तो डैमेज ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारी मिसाइल्स है। और हमारे सेकंड मिसाइल का नाम है इंस्टेंट डेरी। ये कैसा नाम है भाई। चलो देखते इस मिसाइल की क्या खासियत है। चलो सारी चीजें लोड कर दिया मैंने, लेट्स लॉन्च इट। ओके एंड इसने तो पूरी आग लगा दी भाई। गाइस आप लोग कमेंट में जाओ और सारे मिसाइल्स को रेट करो 10 में से। ये मिसाइल भी अच्छा था बट जो आगे आने वाले है ना वो तो अलग ही लेवल है। नेक्स्ट मिसाइल का नाम है क्लस्टर मिसाइल। इसको है ना हम लोग किधर और फोड़ते हैं। हाँ ये जगह सही है, लेट्स गो। ओ भाई मुझे लगा नहीं था कि इतना धूल जाएगी। अरे एक मिनट ये क्या हो गया, इसको ये हवा में फट गई क्या? लगता है एकदम खराब क्वालिटी की थी। नहीं नहीं एक मिनट, इसमें से कुछ तो गिरा। ओ अच्छा अभी मैं समझा, इसके छोटे छोटे हिस्से हो चुके हैं। ये मिसाइल भी ठीक था, इसको मैं दूंगा 10 में से 6। तो चलो नेक्स्ट मिसाइल लॉन्च करते हैं। बट मेरा लॉन्च पैड किधर है? शायद से मेरा लॉन्च पैड टूट गया एक्सप्लोजन के अंदर। अभी तो इस मिसाइल को मैं 0 दूंगा, इसने तो मेरा लॉन्च पैड ही तोड़ दिया यार। अभी मुझे वापस से पूरा सेटअप करना पड़ेगा। Few moments later. अरे स्केलेटन भैया आपने क्या पहन लिया है? आप अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? आप गंदे दिखते हो मुझे मालूम है, बट आपको मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? इसने लगता है कि कोई मास्क पहना है जिससे एक्सप्लोजन की रेडिएशन से बच सके। ये लोग में इतना दिमाग कहाँ से आ गया भाई। चलो नेक्स्ट मिसाइल को फोड़ते हैं, ये तो थोड़ी खतरनाक सी लग रही है। इस मिसाइल का लुक तो देखो भाई, देखते हैं ये क्या करती है। ओ इसने एक्सप्लोजन तो बहुत बड़ा की है और थोड़ी बहुत आग भी लगा दी है। ये भी अच्छा रॉकेट था। गाइस मैं तो ना बहुत एक्साइटेड हूँ आगे वाली मिसाइल्स को फोड़ने के लिए। नेक्स्ट मिसाइल का नाम है 10-टिप मिसाइल। भाई कैसे नाम है, सिंपल नाम रखने को नहीं होता क्या? इस वाले रॉकेट को ना मैं एकदम दूर फेंकूंगा, देखने के लिए जाती है या नहीं जाती है। ये वाली रॉकेट का लुक तो एकदम यूनिक है, वाओ लेट्स गो। अरे कितना ऊपर जा रही है, अरे रुक जा। ओके लैंड होने वाली है, लेट्स सी क्या होता है। कुछ हुआ या नहीं? सामने कुछ तो दिख रहा है, पिंक कलर का है कुछ तो, मुझे समझा नहीं कि क्या है। अरे ये देखो पिंक कलर की चीज स्प्रेड हो रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस मिसाइल है, शायद से ना ये पिंक कलर की चीज डैमेज करती है। ओ ये देखो ये हॉर्स को इतना डैमेज हो रहा है। गाइस ये मिसाइल तो काफी अच्छी निकली, इसको ना मैं 10 में से 7 देना चाहूंगा। तो चलो नेक्स्ट मिसाइल पर बढ़ते हैं। गाइस हमें कौन सी मिसाइल फोड़नी चाहिए यार, मुझे तो ब्लैक होल फोड़ने का बहुत मन कर रहा है, बट नहीं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में फोड़ेंगे। चलो हम लोग ये डूम्स वाली मिसाइल फोड़ते हैं, ये तो एकदम रियल मिसाइल जैसे लग रहा है। मुझे इस रॉकेट से बहुत उम्मीद है, देखते कितना अच्छा होगा, लेट्स गो। अरे तो हवा में फट के दूसरे रॉकेट में बदल गया और ये छोटे छोटे रॉकेट तो हर जगह पर जा रहे हैं। ओह ये कितना अच्छा है, ये एक्सप्लोजन भी कर रहा है और आग भी लगा रहा है, ये काफी कूल था। इसको है ना मैं 8 दूंगा 10 में से। अभी हम लोग फोड़ना चाह रहे हैं स्कैबर्न। भाई कैसे नाम है, अरे ये तो सीधा ऊपर जा रही है। ओके देखते हैं इस रॉकेट की क्या क्वालिटी है।
वो ये एप्स वजन बड़ा तो नहीं था बट दिखने में अच्छा लगा था। गैस मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्या हम लोग एक ही टाइम पे बहुत सारे रॉकेट उड़ा सकते हैं? लेट्स ट्राई। ओके मैंने सेटअप तो कर दिया है, बस ये काम कर जाए। 3, 2, 1 गो। ओ ये एक टाइम पे तो नहीं गए सब, बट हम लोग इसको एक एक करके लॉन्च कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे माइनक्राफ्ट फोर्ट के अंदर वॉर चालू हो गई है। चलो अभी नेक्स्ट मिसाइल फोड़ते हैं। एक और चीज, मैं उस जगह से ना थोड़ा दूर आ चुका हूँ क्योंकि उधर बहुत डिस्ट्रक्शन हो गई थी और मुझे इस रॉकेट का नाम कुछ अच्छे से याद नहीं है, कुछ वॉल्केनिक करके था शायद से, कोई वॉल्केनो क्रिएट हो जाएगा, देखते हैं। और ये बूम, ओ भाई सच में वोल्केनो बन गया। इसके टॉप में से कितना स्मोक निकल रहा है और स्मोक के साथ इतना सारा लावा भी गिर रहा है। ये मिसाइल भी अच्छा है यार, और ये तो फैलते ही जा रहे हैं। भाई रुक जा, ये शायद रुकने नहीं वाला है आज, थोड़े टाइम वेट करके देखते हैं कि ये लावा किधर तक फैलता है। ओके अभी ये तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, अभी तो पक्का हो गया कि ये रुकने नहीं वाला है। पहले तो मैं इसे 8.5 देने वाला था 10 में से, बट अभी मैं इसे 9 दूंगा। गाइस अभी टाइम है न्यूक्लियर मिसाइल को फोड़ने का। इसको ना मैं इस लोकेशन पर फोड़ता हूँ, देखते हैं कि मिसाइल कितनी पावरफुल है। गाइस अगर आप रेडी हो तो वीडियो का लाइक कर दो और मेरे पीसी की जो हालत बना ली है उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। चलो 3, 2, 1। ओ भाई ये कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, पीछे देखो ये तो एकदम रियल एक्सप्लोजन जैसा लग रहा है। ओ ये क्या हो रहा है, मेरे पैरों तले जमीन खिसकनी है। भाई ये तो पूरा ऊपर का लैंड उड़ गया है। गाइस ये TNT तो अलग ही लेवल का निकला। ओके अभी फटा नहीं अच्छे से, ये अभी तक डिस्ट्रॉय कर रहा है पूरे लैंड को। गाइस मैं देखता हूँ कि इसका एक्सप्लोजन खत्म होने कितना टाइम लगता है। ये देखो इसने पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ पर रेडिएशन देखो कितना हो चुका है। गाइस ये अभी तक का तो सबसे बेस्ट मिसाइल है इन माई ओपिनियन। मैं इसे 10 में से कितनी रेटिंग दूं मुझे समझ नहीं आ रहा, 100 भी दूं तो भी कम है। ये देखो ये इसका सबसे फाइनल लुक, इसने बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन किया है। तो चलो आज के लिए इतना धमाका काफी है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में और भी खतरनाक धमाके आने वाले हैं। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।